पता ही नहीं चला बिहार का खूबसूरत दिखता है। आज इसको पता चला भैया कि बिहार में आओ भाई कभी हमारे बिहार में आओ सब ज्यादा मजा आएगा। चलो अभी हम लोग भैया के साथ एक गेम खेलेंगे। भाई मुझे भी क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन से कोई भी गेम खेलेंगे। अब खेलोगे पक्का ना? कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है या तो गेम ऐसा है ना कि हम 1 2 3 काउंट करेंगे, ठीक है? और 1 2 3 काउंट होने के बाद आपको कोई भी एक गंदा शक्ल बना देना है। अरे भैया बहुत तेज है मेरी भैया क्या आईक्यू लेवल बहुत तेज है। चलो ये बच्चा वाला खेलते हैं भैया। हम बता देखो ना इधर देखो ना आगे देखो ना आगे क्वेश्चन ही है। एक पूल है, उसमें जाने में 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है? उधर से वापस आने में 80 मिनट लगता है। जैसे जाओ वैसे जाओ कोई नहीं, नंगे पाँव जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत पास है, फिर सामान निकालने में लग गए। बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोलो 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 बम बम जाए बोल बम बोल बम बोल बम क्यूट लगता है लेकिन कौन बोल बम बोल बम। तो गाइस ये पंडित जी मिले हैं मुझे और बता रहे हैं क्या है वहाँ पे, किस तरह की गंगा बताइए। शिव गंगा है जो रावण जब कामना ले आ रहे थे ना, तो ले आने के कर्म में यहाँ से 3 किलोमीटर के अंतर्गत हल्ला जोड़े एक गाँव है, वहीं पे बहुत ज़्यादा जोड़ों से लोग शंका लग गया रावण को, तो रावण सोचे कहाँ रखें, तो रावण फिर हम ले सकें, तो विष्णु भगवान इस बार ब्राह्मण के रूप में घूर रहे थे, वो बोले कि हमारे में घूरने के बाद इनका दृष्टि पड़ा रावण का, तो वो बोले कि ये कामना लिंग है रावण ब्राह्मण ये रखिए हम 10 मिनट में आते हैं लघु शंका करके, लघु शंका कामना लिंग दे करके चले गए लघु शंका करने बगल में जोड़ी फरला जोड़ी में, तो वहाँ 7 दिन 7 रात लघु शंका करते रहे, 7 रात 7 दिन जी बंदे नहीं हुआ, नहीं 7 दिन 7 रात। तो विष्णु भगवान सोचे अगर यहाँ रख देते हैं तो ले भगेगा, रावण जैसा न कर्मकांड हुआ है न होगा कभी, वो जान रहे हैं विष्णु भगवान थे, तो कहाँ रखें जो रावण उखाड़ न ले जा पाए, तो वो अपने तपोबल से देखे यहाँ माँ सती का हृदय पड़ा है, कामना लिंग अभी है ना देवघर में बाबा धाम में, वहाँ माँ सती का हृदय पहले पड़ा जब दक्ष राजा यज्ञ थे, उसी समय वहाँ ले आकर के यहाँ पे ला करके शिव को स्थापित कर दिए, ठीक है? वो कर्म में होने के बाद लघु शंका करके जब उठे तो आचमन तो किए नहीं थे, वो ब्राह्मण हैं वो सोचे कि कहीं तो मिलेगा नहीं देवी देवता का छलना है, तो क्या किया जाए, तो मुष्टिका प्रहार किए माँ सती जो शिव गंगा है वहाँ से पाताल गंगा निकली और आचमन किए, उसके बाद शिव जी के पास वहाँ गए, वही शिव गंगा
बोलो बोलो बोल बम बोल बम बताए ब्राह्मण के बारे में बोल बैजू के नाम कैसे आ जाता है बैजू का नाम जो है ना बोलो बोल बम बोल बम वो बैजू का है बाप बैजू का कर्म बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बोल बम बोलो बोल बम असली है ये वाले ये पेड़ा कितने सारे मिल रहे हैं हम उसी सब पे नजर जा रहे हैं पहले मुंडन वाले रसगुल्ले देखो भैया अभी मत दिखाओ ना पहले पूजा करके आते हैं फिर दबोचेंगे पेड़ा ही पेड़ा है वहाँ से पूजा करने के बाद आके दबोचना पड़ेगा बस गाइस वो है मंदिर तो पुजारी झंडा चेंज कर रहे हैं उसी मंदिर में हमें जाना दर्शन करने गाइस इन पंडित जी के थ्रू हम करवा रहे हैं अपना दर्शन करवा रहे हैं इन पंडित जी के थ्रू इनकी मन्नत थी गोविंद भाई जी और सुंदरम जी यहाँ पे मुंडन करवाने की और ये इसका बस एक बाल कटा है और इन बेचारों का पूरा कटेगा चंड लग रहे हो आए ये गंगा जल हम भर रहे हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए
बस ये है VIP कार्ड, इसके बिना एंट्री नहीं है। चलो अंदर देख लो, इस लाइन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि ये VIP लाइन है। कार्ड की बस, और नहीं बिना कार्ड वाले में इतनी भयंकर भीड़ है कि दर्शन भी नहीं हो पाते। हर हर महादेव। बिना पास वाले हैं, इनके में कितनी भीड़ है गाइस देखो। भयंकर भीड़ थी ना, मैंने कहीं भी नहीं देखी थी। मुश्किल शिवलिंग छू पाया, शिवलिंग हाथी में नहीं आ रहा था। मैंने भी शिवलिंग को छुआ, इतनी धक्का मुक्की हो गई। बहुत ज्यादा भीड़ थी गाइस, वीडियो बनाने तो लाइव नहीं देखो। अपने अकेले, अपने आप मतलब अकेले अकेले फोटो भी छोड़े। यहाँ पे नॉर्मल पानी की बोतल भी नहीं मिलती है, यहाँ पे भी मिलता है बाबा जल। कड़े वड़े सब ले रहे थे, मैंने भी अपने ले लिया ये वाला। वैसे मैं नहीं पहनता लेकिन पीतल वाला था, इसका कह रहे थे कि कलर नहीं जाएगा, दस पर मैंने ले लिया। अरे वो ले तो भी आप लोग हैं ना, सब मिल जाएगा। हमने 3 किलो पेड़े पैक करवा लिया, 1-1 किलो के 3 बनेंगे ना भैया। यहाँ पे हर दुकान पे आपको पेड़े ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ की फेमस ले लिया है 3 किलो पेड़ा। फेमस प्रसाद पेड़ा ही है तो स्टार, तो ये तो लेकिन स्टार। सब चलते वापस, लेकिन खाना यहाँ पे नहीं खाएंगे। खाना यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने बिजनेस बना दिया है, कोई क्वालिटी नहीं देता, बस पैसे कमाने देखते हैं। तो खाना हम खाएंगे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके। तो अब चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ देखो गाइस, किस में चाय मिलती है। टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो गाइस खाना पीना खाने के लिए हम आ चुके हैं दासन का ढाबा पे। यहाँ पे करते हैं खाना पीना खाते क्योंकि हमने पूजा के चक्कर में कुछ खाया नहीं था। सब खाना पीना खाएंगे और फिर सीधा रुकेंगे हम मेरी सबसे बड़ी मौसी के घर पे, राजा पाके, वहीं जाएंगे। फिर आपको लेकिन यहीं में बैठने लेटने की सुविधा मिलती है, वहीं लेट जाते हैं। सो खाना पीना खा लिया और भैया और गुरु आराम कर रहे हैं, निकलते हैं थोड़ी देर में। पेट फूल गया आपका? हमने भर के खाना खा लिया। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी।